आज हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का सेकेंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पहले थोड़ा बहुत फर्स्ट लेक्चर के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, इसमें हम ये जानते हैं कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। तो हर बड़ी कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म, सोल ट्रेडर, साल भर जो बिजनेस करता है, एरोप्लेन में डाल दिया ना, तो ये जानने के लिए कि उसने प्रॉफिट किया है कि लॉस साल के एंड में फाइनल अकाउंट। अभी फाइनल अकाउंट बनाने के लिए आपको एग्जाम में दो चीजें दी रहती है सर, क्या क्या दिया रहता है, एक ट्रायल बैलेंस रहता है, दूसरा एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या रहता है, साल भर जो एक्सपेंस, इनकम, एसेट और लायबिलिटी होती है उसका लिस्ट। एडजस्टमेंट मतलब वो चीजें जो साल के एंड में ही आती है, या वो चीजें जो एक्चुअल में जानी चाहिए थी ट्रायल बैलेंस में लेकिन अकाउंटेंट लिखने को भूल गया था, वो एडजस्टमेंट में चली जाती। हमको ये दो चीजें एग्जाम में दी रही। हम क्या क्या बनाएंगे सर, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, और साथ में क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो हम ये पांच चीजें बनाएंगे। वापस बोलो क्या क्या बनेगा, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, और क्या बनेगा, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग में कुछ लिमिटेड वर्ड बोलता हूँ, याद रखना कौन कौन से लिमिटेड वर्ड। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, परचेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, पावर एंड फ्यूल, हीटिंग एंड लाइटिंग, कोल, गैस, वाटर, इंपोर्ट ड्यूटी। बस आप इतना वर्ड याद रखोगे बहुत हो जाएगा। क्रेडिट साइड में दो ही वर्ड आते हैं ट्रेडिंग के, क्या क्या आता है सर, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस सबने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, कमीशन, बैड डेब्ट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी बोला है तो वो भी उधर ही जाएगा। फाइन, क्रेडिट में याद रखना जो वर्ड डेबिट में आते हैं वही वर्ड क्रेडिट में आते हैं, खाली उसके साथ वर्ड रिसीव्ड रहता है, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, एक्सेट्रा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रायल बैलेंस में से कुछ नहीं जाता, वहां पे जो भी जाता है वो एडजस्टमेंट में जाता है, वो भी एडजस्टमेंट पार्टनर के रिलेटेड, सैलरी टू पार्टनर बोला है, कमीशन टू पार्टनर बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बोला है। तो इसका एक इफेक्ट अप्रोप्रिएशन में जाएगा, एक इफेक्ट पार्टनर में जाता है, तो उसको बोल जाओ। पार्टनर कैपिटल में भी दो ही वर्ड याद रखने का, एक उसका कैपिटल जो क्रेडिट में जाएगा और ड्रॉइंग दिया रहेगा तो डेबिट में, बाकी जो भी उसमें आता है सब एडजस्टमेंट में से आता है। बैलेंस शीट के बारे में क्या बोलेगा, सबको आता है। लायबिलिटी में कैपिटल और पार्टनर जाएगा, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मेन वर्ड याद रखो, रिजर्व बोला रहेगा तो भी याद रखो। एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्स्चर, मोटर कार, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। सर एक बार एसेट का लिस्ट रिपीट करो, चलो रिपीट करता हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्स्चर, मोटर कार, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब एसेट्स में जाते हैं। लास्ट में बैलेंस शीट क्या होना चाहिए। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरा पोस्टिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया। एक फाइनल अकाउंट में तीन काम होता है, पहला पोस्टिंग, दूसरा एडजस्टमेंट, तीसरा अकाउंट का क्लोजिंग। तो पहले लेक्चर में हमने पोस्टिंग सीख लिया अच्छे से, आज हम एडजस्टमेंट सीखते हैं अच्छे से। एडजस्टमेंट हो गया तो हमारा फाइनल अकाउंट का थ्योरी का पार्ट कवर। एडजस्टमेंट में एक सबसे अच्छा चीज क्या मालूम है, सब एडजस्टमेंट, सब मैंने बोला सब एडजस्टमेंट आपने 12th में ऑलरेडी किए हुए हैं, वही सेम एडजस्टमेंट है, खाली पार्टनर रिलेटेड एडजस्टमेंट अप्रोप्रिएशन में जाएगा, बाकी सब पहले जैसा सेम इफेक्ट ही आएगा। तो एक एक करके एडजस्टमेंट डिस्कस करता हूँ और फटाफट लिख के लो, स्टार्ट करें क्या। फाइव, पहले एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते, द फर्स्ट एडजस्टमेंट एज यूजुअल इज क्लोजिंग स्टॉक। तो एग्जाम में जब भी क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा दो इफेक्ट, इसका दो इफेक्ट हमको आता है। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, पहले इफेक्ट कहा जाएगा सर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के कहा जाएगा एसेट। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट, ये आपका पहला एडजस्टमेंट, या फिर ये फिक्स है एग्जाम में आने ही वाला है। फाइन, चलो दूसरा एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, डेप्रिसिएशन मतलब आप एसेट का वैल्यू कम करो। डेप्रिसिएशन का सिंपल मतलब क्या होता है, एसेट का वैल्यू कम करो। हमेशा याद रखना जब भी आपके चीजों का वैल्यू कम होता है वो आपके लिए लॉस होता है, और आपकी चीजों का वैल्यू जब बढ़ता है उसका वो आपके लिए प्रॉफिट होता है।
आज मेरे एसी का वैल्यू बढ़ गया, मेरे लिए प्रॉफिट है, एसी का वैल्यू कम हो गया, मेरे लिए लॉस है। याद रखना, एसेट का वैल्यू बढ़ना मतलब प्रॉफिट, एसेट का वैल्यू कम होना मतलब लॉस। कोई भी लॉस या एक्सपेंस होता है ना, पीएनएल के डेबिट में लिखते हैं। याद रखना, देखो आपको शॉर्टकट समझा रहा हूं, लॉस या एक्सपेंस होगा ना तो एक इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में जाएगा, प्रॉफिट और इनकम हो रहा है तो एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। ये रूल याद रख लेना, वैसे तो आपको एडजस्टमेंट बाहर करके ही जाने, बट ये रूल याद रख लेना, लॉस या एक्सपेंस हो रहा है पीएनएल डेबिट, प्रॉफिट या इनकम हो रहा है तो पीएनएल क्रेडिट। अब देखो, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम एसेट, पहला इफेक्ट क्या आएगा सर, लेस फ्रॉम एसेट। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम एसेट, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम एसेट, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो बोला डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, दोनों एग्जाम में इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। तीसरा एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्या लिखा है सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कभी भी याद रखना, आउटस्टैंडिंग वर्ड मतलब उतना देने का बाकी है तो आपको देना पड़ेगा। तो जब भी आउटस्टैंडिंग वर्ड आएगा ना, तो पहला इफेक्ट खुद से बोलेगा ऐड, क्या बोलेगा सर, ऐड, ऐड टू एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना तो ऐड टू एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम रहेगा तो ऐड टू इनकम। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पहला इफेक्ट क्या बोलेगा सर, ऐड टू एक्सपेंस, ऐड टू एक्सपेंस। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी, सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी। इसका मतलब समझाता हूं, एकदम शॉर्ट में समझाता हूं। मेरा एक स्टाफ है, मेरे पास काम करता है, उसका 10,000 पगार है। मेरा एक स्टाफ है, मेरे पास काम करता है, उसका पगार कितना है सर, 10,000। मैंने उसको 6,000 रुपया पगार दिया है, 4,000 बाकी है। अभी आप बताओ, उससे लेने का बाकी है देने का, बराबर, मतलब लेने का बाकी है कि देने का, बराबर देने का बाकी है। तो बताओ वो 4,000 मुझे उसको देना पड़ेगा, तो ये पैसा मेरे लिए आ रहा है कि जाएगा, आगे जाके ये पैसा उससे लेना है कि देना है, देना है ना, तो मेरे लिए पैसा जाएगा। और जो भी पैसा आपके पास से जाने वाला है, आगे जाके जाने वाला है, वो कहां जाएगा, लायबिलिटी। और आगे जाके अगर आने वाला है तो आपके लिए एसेट, आने वाला पैसा एसेट होता है, आगे जाने वाला पैसा लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐड टू एक्सपेंस, बैलेंस शीट लायबिलिटी। अभी देखो इसी का उल्टा लिख रहा हूं, मैंने बोला उल्टा, क्या लिखा सर, आउटस्टैंडिंग इनकम्स, आउटस्टैंडिंग क्या, इनकम। तो फिर से एक बार, आउटस्टैंडिंग इनकम, पहला इफेक्ट एड टू इनकम्स, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट कहा जाएगा एसेट, ये भी समझाता हूं, बैलेंस शीट एसेट, इसका इफेक्ट समझाता हूं पहले क्या है करके। देखो वेरी सिंपल, मेरा एक स्टूडेंट है जिसका फीस 15,000 है, उसने 10,000 ही भरा है, फीस 15,000 है उसका, उसने 10,000 ही भरा है, तो 5,000 बाकी है ना उससे लेने का, तो वो मेरे बिजनेस का क्या माना जाएगा, आउटस्टैंडिंग इनकम। मैंने क्या बोला, आउटस्टैंडिंग वर्ड सुनाई दिया, तो क्या बोलने का, ऐड, क्या बोलने का, ऐड, क्या बोलने का, ऐड, क्या बोलने का, ऐड, क्या बोलने का, ऐड। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में, इनकम है तो इनकम में, बाद में खाली इतना सोचने का कि पैसा आने वाला है कि जाने वाला है। एक्सपेंस है मतलब तुमको देना पड़ेगा, इनकम है मतलब स्टूडेंट से पैसा लेना पड़ेगा, आगे जाके हमको उससे लेना है, इसलिए बैलेंस शीट कहा जाएगा ऐसे। वेरी क्लियर, चलो यहाँ पे एक रूल याद रखना, जब भी आउटस्टैंडिंग वर्ड सुनाई दिया क्या बोलेगा, ऐड। एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस में, इनकम होगा तो इनकम में। अक्रूड, क्या अक्रूड, अक्रूड नहीं वे डाउटी, अक्रूड, क्या अक्रूड, हाँ अक्रूड बोला रहेगा तो वो भी आउटस्टैंडिंग होता है, अक्रूड बोला तो वो भी क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। चलो नेक्स्ट, प्री पेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम एक्सपेंस, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट, सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा सर, बैलेंस शीट एसेट। तो अपना प्रीपेड एक्सपेंस, व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस का पैसा आपने पहले से या ज्यादा देखे रखा है उसको बोलते हैं प्रीपेड सर, क्या बोलते हैं उसको, प्रीपेड। जब आप कोई चीज का पैसा पहले से ज्यादा देके रखते हो उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, तो ज्यादा देखे रखा इसलिए वो लेस फ्रॉम एक्सपेंस। मैं इसको समझाता हूं आराम से। मेरा एक स्टाफ था, एक दिन मेरे पास आया, मुझे बोलने लगा सर मेरा गांव का घर है ना गिर रहा है करके, तो बोला चल जाके बनाते करके, बोला नहीं मैं बना लूंगा सर, आप मुझे खाली पैसा दो।
मैंने बोला ठीक है कितना चाहिए, मतलब 50,000। मैंने ठीक है देखो 50,000 देता हूँ लेकिन तू वापस कैसे करेगा। उसने कहा कि आप हर महीने के सैलरी में से मैं सर आपको 5,000 रिटर्न करके जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने उसको 50,000 रुपये दे दिया। मैं उसको बुक्स में लिखूंगा एडवांस, क्या लिखूंगा एडवांस, एडवांस मतलब क्या लिखूंगा प्रीपेड। अभी हर महीने वो हमको 5,000 देगा, तो 50,000 का फिगर धीरे धीरे कम हो रहा है कि नहीं। 5 दिया 45, 5 दिया 40, 5 दिया 35, 5,000 से वो कम होती जाएगी। इसके लिए एस्क्रो एक्सपेंस, और वो 5,000 रुपये हम हर को हर महीने आ रहा है ना, मेरे को हर महीने वो 5,000 रुपये आ रहा है ना, तो पैसा जो आता है वो कहा जाता है एसेट, देना पड़ा होता तो क्या जाता लायबिलिटी। तो प्रीपेड एक्सपेंस, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, बैलेंस शीट एसेट्स। नेक्स्ट प्री रिसीव्ड इनकम्स, प्री रिसीव्ड इनकम उल्टा इसका, यहाँ पे हमने किसी को एडवांस दिया तो यहाँ पे हमने किसी से एडवांस लिया है तो पहला इफेक्ट सेम, लेस फ्रॉम इनकम, और ये पैसा हमको हर महीने रिटर्न करना है थोड़ा थोड़ा, तो सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट आ जाता है लायबिलिटी। देखो याद कैसे रखने का, ये तुमने पेड करके रखा ना तो मिलेगा, ये तुमने रिसीव किया तो तुमको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा लायबिलिटी, मिलेगा एसेट। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? श्योर। एडजस्टमेंट्स को आराम से, कितना मिनट हुआ? 11। एडजस्टमेंट्स को आराम से एकदम धीरे 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 ध्यान दे के एक एक करके उसको रिवाइज कराते जाने। एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर सेम है। पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, दो इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम एसेट पीएनएल डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड टू एक्सपेंस बैलेंस शीट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड टू इनकम बैलेंस शीट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस लेस फ्रॉम एक्सपेंस बैलेंस शीट एसेट, Free received income, less from income, balance sheet, liability. ठीक है? एक रूल याद रखना, outstanding बोले तो add होता है, free word है ना, free word तो less होता है, right? चलो, ये हो गया आपका, फिर bad debts are ready, मतलब bad debts are ready, bad debts are ready मतलब आपका पैसा डूब गया या डूबने वाला है, या तो डूब गया या तो डूबने वाला है, doubtful है करके, ठीक है? तो पहला इफेक्ट less from debtor. सर इसको डेटर से क्यों लेस करते हैं? क्योंकि डेटर ही वही लोग हैं जिनसे ये पैसा लेने का था, उसमें से एक जन भाग गया, जिनसे पैसा लेने का था ना उसमें से एक जन भाग गया, भाग गया मतलब मिलने वाला नहीं है, जब आदमी नहीं मिले तो पैसा कहां से मिलेगा, तो बैड डेट्स हो गया, तो लेस फ्रॉम डेटर, या मेरे लिए लॉस है तो लॉस कहां जाते हैं, लॉस, लॉस पीएनएल डेबिट, तो हम इसको पीएनएल डेबिट नहीं, क्या बनेगा बोले फॉर्मूला। सेकेंड इफेक्ट क्या बनेगा, फॉर्मूला, मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा, फॉर्मूला में रहेगा ये, फॉर्मूला पीएनएल के डेबिट में रहेगा ये फॉर्मूला, कहा रहेगा तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में रहेगा, लेकिन आप पीएनएल डेबिट बोल रहे हैं फॉर्मूला बोल रहे हैं तो फॉर्मूला अपने आप याद रहेगा। तो मतलब बैड डेट्स ऑलरेडी लेस फ्रॉम डेटर फॉर्मूला, मतलब बैड डेट्स ऑलरेडी लेस फ्रॉम डेटर फॉर्मूला, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, अन रिकॉर्डेड परचेज, अन रिकॉर्डेड क्या लिखा है सर, परचेज, तो अन रिकॉर्डेड परचेज के दो इफेक्ट, पहले लिख के लेता हूं, एड टू परचेज, सेकेंड इफेक्ट एड टू क्रेडिटर, बना दो इफेक्ट, एड टू परचेज एड टू क्रेडिटर, बना अनरिकॉर्डेड परचेज एड टू परचेज एड टू क्रेडिटर। क्या होता है अनरिकॉर्डेड परचेज, मैंने गुड्स खरीदा खाली उसको बुक में लिखना भूल गया, खरीदा मैंने लिखना भूल गया, तो खरीदा है परचेज किया लिखना भूल गया, तो लिखना पड़ेगा कहां पे लिखना पड़ेगा, परचेज में, क्योंकि परचेज किया है और जिससे परचेज करोगे उसको पैसा भी तो देने का बाकी है, वो भी तो लिखना पड़ेगा, तो एड टू क्रेडिट, एड टू क्रेडिट, मैंने मिस्टर ए से 50,000 का गुड्स खरीदा बुक में लिखा, तो मेरा परचेज 50,000, ए को देना है 50,000 और 50 का खरीदा, तो मेरा परचेज हो गया 1,00,000, देना है 1,00,000, ठीक है? और एक 50 का खरीदा लिखना भूल गया, तो मेरा गलती है ना लिखना भूल गया, अभी लिखो याद आते ही, तो मेरा परचेज पहले का 1,00,000 और ये मिला के 1,50,000 हो गया, और उसको देना भी कितना रहेगा 1,50,000, तो दोनों जगह पे वो 50-50 क्या होगा ऐड, तो ऐड टू परचेज, परचेज बोला तो परचेज, और इतना याद रखना परचेज किससे करते हैं क्रेडिटर, ठीक है? ऐड टू परचेज ऐड टू क्रेडिटर, देखो इसी का उल्टा लिख रहा हूं, अन रिकॉर्डेड क्या सेल्स, इसी का उल्टा लिख रहा हूं, अन रिकॉर्डेड क्या सेल्स, तो पहला इफेक्ट सेम आपको आता है, add to what sales, very good, second effect add to what debtors, अभी आप कैसे रखने का, purchase किससे करते हैं creditor,
गुड्स बेचते किसको है? डेटर. तो एड टू सेल्स, एड टू डेटर्स, एड टू सेल्स, एड टू डेटर्स. तो मैंने अनरिकॉर्डेड सेल्स एड टू सेल्स, एड टू डेटर्स. अनरिकॉर्डेड परचेज एड टू परचेज, एड टू क्रेडिटर्स. का शॉर्टकट याद रख, अनरिकॉर्डेड में सभी इफेक्ट ऐड होते हैं, प्रीपेड में लेस होता है, आउटस्टैंडिंग में ऐड होता है. फाइन, ये शॉर्टकट से कुछ चीजों को याद रखने के. ये क्लियर क्या सबको? चलो नेक्स्ट, गुड्स लॉस बाय फायर. बोला गुड्स लॉस बाय फायर, इसके तीन इफेक्ट लिखता हूं. पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट, और तीसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. मुझे इसको समझाने दो अच्छे से. क्या है गुड्स लॉस बाय फायर? हमारे गोडाउन में 1,00,000 रुपए का गुड्स रखा था और आग लगने से वो जल गया. लकीली हमने इंश्योरेंस कराया था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हम आपको पैसा देंगे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने खाली 80,000 रुपया दिया. गुड्स जल के 1,00,000 का, इंश्योरेंस कंपनी ने खाली 80,000 रुपया दिया, तो हमारे लिए 20,000 का क्या हुआ? लॉस. तो तीन इफेक्ट, जितने का गुड्स जल गया ना आपका, आपका जितने का गुड्स जल गया वो ट्रेडिंग में दिखा. इंश्योरेंस कंपनी जो भी पैसा देगी वो बैलेंस शीट के एसेट, और जो पैसा नहीं मिलेगा वो हमारे लिए लॉस है, और लॉस कहा जाता है देखो पीएनएल. अभी 1,00,000 का गुड्स जल गया, 80,000 मिला, तो 1,00,000 रुपए ट्रेडिंग में दिखेगा, 80,000 बैलेंस शीट के एसेट में दिखेगा इंश्योरेंस क्लेम, और 20,000 नहीं मिला तो पीएनएल में 20,000. ठीक है, अब इसका टाइप टू समझाता हूं, ध्यान से सुनिए. इसमें तीन टाइप है, लिखूंगा एक समझाऊंगा तीनों. पहला टाइप, दूसरा टाइप, 1,00,000 का गुड चल गया, इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा 1,00,000 रुपया दिया. 1,00,000 का गुड चल गया, इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा 1,00,000 रुपया दिया, तो नुकसान कुछ हुआ ही नहीं. तो यहाँ पे ट्रेडिंग में 1,00,000 दिखेगा, बैलेंस शीट के एसेट में 1,00,000 रुपया दिखेगा, पीएनएल में कुछ नहीं. ठीक है, तीसरा टाइप सुनो, 1,00,000 का गुड चल गया, इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो 1,00,000 का गुड जल गया इधर, 1,00,000 कुछ भी पैसा नहीं मिला, तो बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं, लेकिन पूरा 1,00,000 का लॉस हो गया क्योंकि हमने इंश्योरेंस ही नहीं कराया था, तो पीएनएल के डेबिट में 1,00,000 है. क्लियर है सबको? यहां पे जाएगा एक इफेक्ट, यहां पे एक इफेक्ट जाएगा. तो तीन टाइप कौन कौन सा है? गुड जल गया, थोड़ा मिला थोड़ा नहीं मिला, गुड जल गया पूरा मिल गया, गुड जल गया कुछ भी नहीं मिला. तो याद रखना, इतना याद रखना, अगर पूरा पैसा मिल रहा है तो बैलेंस शीट में इफेक्ट आएगा, पीएनएल में नहीं. कुछ भी नहीं मिल रहा है तो बैलेंस शीट में इफेक्ट नहीं आएगा, पीएनएल में पूरा है. ठीक है, वेरी गुड. गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, क्या लिखा है सर? गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, क्या लिखा है सर? गुड्स लॉस बाय थेफ्ट. अभी एक चीज नोटिस करना, जब जब गुड्स वर्ड आता है ना, जब जब गुड्स वर्ड नोटिस करो, गुड्स वर्ड आएगा ना तो पहला इफेक्ट फिक्स है. कोई भी एडजस्टमेंट में गुड्स वर्ड आया तो पहला इफेक्ट फिक्स है, बोल दिया तुमको. कोई भी एडजस्टमेंट में गुड्स वर्ड आया पहला इफेक्ट फिक्स है. तो बोला पहला इफेक्ट क्या है सर? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट. सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा सर बैलेंस शीट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. क्यों ऐसा सर? चोरी का इंश्योरेंस नहीं होता 99% केसेस में, चोरी का इंश्योरेंस नहीं मिलता, चोरी अब हुआ है गुड्स, तो ट्रेडिंग क्रेडिट पीएनएल डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट पीएनएल, पूरा लॉस हो गया ना आपके. फाइन, फिर गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल. बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए टीवी पे एड दिखाने पे खर्चा नहीं करती, वो अपने प्रोडक्ट के छोटे छोटे सैंपल्स बनाते, शैम्पू की कंपनी, ऑयल की कंपनी, सोप की कंपनी, छोटे छोटे सैंपल्स बनाते और सैंपल्स फ्री में पब्लिक के घर पे देते मार्केटिंग करके. अभी वो सैंपल आपको फ्री में मिला, आपने यूज किया, आपको अच्छा लगा, तो नेक्स्ट टाइम से आप वो प्रोडक्ट खुद जाके दुकान में खरीदो, तो उसको बोलते फ्री सैंपल देना. तो कुछ कंपनी का एडवर्टाइजमेंट है, तो गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, तो पहला इफेक्ट गुड्स है, तो मैं बोलता हूँ गुड्स है, तो पहला इफेक्ट फिक्स हो गया ना, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट. अभी आपने फ्री में बांटा है, तो फ्री में बांटा है मतलब बनाया तो फ्री में नहीं ना, बनाने के लिए तो खर्चा हुआ है ना, तो इनडायरेक्टली फ्री में बांटा है मतलब आपने वो एक्सपेंस किया. आप उसको एक्सपेंस का नाम दो या आप उसको बोलो आपके लिए वो लॉस है, क्योंकि फ्री में बांट दिया कुछ पैसा ही नहीं मिलेगा. तो सेकेंड इफेक्ट फिक्स है, पीएनएल अकाउंट डेबिट.
तो मतलब गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, दो इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट पीएनएल डेबिट, या पे गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट पीएनएल डेबिट, गुड्स लॉस्ट बाय फायर रहेगा तो तीन इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट, पीएनएल डेबिट, जितने का गुड जल गया इधर, जो पैसा मिला वो इधर, जो नहीं मिला वो इधर। इसी का देखो और एक चीज, गुड्स पे चार एडजस्टमेंट, ये चौथा, गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, गुड्स टेकन ओवर बाय क्या, पार्टनर, गुड्स कौन लेके गया, पार्टनर, फिर से गुड्स बढ़ाया तो पहला इफेक्ट तो फिक्स हो गया ना, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, पहला इफेक्ट फिक्स है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। अभी बोले गुड्स कौन लेके जा रहा है, पार्टनर, फ्री में तो नहीं देंगे, इसको ड्रॉइंग बोलते हैं, पार्टनर बिजनेस में से पैसा लेके जाए या गुड्स लेके जाए, पैसा लेके जाए या गुड्स लेके जाए, वो ड्रॉइंग्स कहलाता है। सेकंड इफेक्ट क्या जाएगा, ड्रॉइंग्स जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल में कहा जाएगा सर डेबिट। आपने नोटिस किया गुड्स के कितने एडजस्टमेंट कवर किए मैंने, चार, गुड्स के कितने एडजस्टमेंट हमने कवर किए, चार, ये चारों एडजस्टमेंट ध्यान से है। चलो एक बार मेरे साथ ये एडजस्टमेंट रिपीट करो, एग्जाम इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा, आप मेरे पे छोड़ो, इसमें से कौन से एडजस्टमेंट आने वाले हैं ना वो भी मैं आपको बताऊंगा, फिक्स है वही आएंगे, आप टेंशन ही छोड़ो, बट क्लास चालू नहीं, अभी नहीं, ऑनलाइन में नहीं, जब क्लास चालू नहीं तो मैं आपको हर एक चैप्टर का जो सीक्रेट पॉइंट है ना मैंने पेंडिंग रखा हुआ, वो ऑनलाइन में सबके साथ शेयर हो जाएगा, स्टूडेंट के शेयर होगा ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई दूसरा टीचर अगर वो देख ले तो उसको समझेगा रही तो इतना सिंपल था कर, उसको वो अननेसेसरी बिना मेहनत करके मिलेगा, तो स्टूडेंट शेयर करेगा मुझे इश्यू नहीं, हर एक टीचर का अपना कुछ पर्सनल सीक्रेट्स रहता है टॉपिक को लिए, वो हम क्लास में शेयर करते हैं स्टूडेंट के साथ, तो मैं कुछ चीजें है आपको मैं पहले से बताऊंगा ना, वही एडजस्टमेंट एग्जाम में आएगा, डोंट वरी, बट फिलहाल नहीं बताऊंगा, जब हम करेंगे एग्जाम्स के टाइम पे क्लास में जब प्रैक्टिस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। चलिए तेरा एडजस्टमेंट मेरे साथ रिपीट करते सब लोग, स्टार्ट करते हैं, कितने मिनट बाद 20, चलो पहला एडजस्टमेंट मतलब क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट, डेप्रिसिएशन लेस फ्रॉम एसेट पीएनएल डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड टू एक्सपेंस बैलेंस शीट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड टू इनकम बैलेंस शीट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस लेस फ्रॉम एक्सपेंस बैलेंस शीट एसेट, प्री रिसीव्ड इनकम लेस फ्रॉम इनकम बैलेंस शीट लायबिलिटी, बैड डेट्स आरडीडी लेस फ्रॉम डेटर फॉर्मूला, अनरिकॉर्डेड परचेज ऐड टू क्रेडिटर, अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड टू डेटर्स, गुड्स लॉस्ट बाय फायर ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट पीएनएल डेबिट, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट ट्रेडिंग क्रेडिट पीएनएल डेबिट, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल ट्रेडिंग क्रेडिट पीएनएल डेबिट, गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर ट्रेडिंग क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। चलो यहां तक हमने कितने एडजस्टमेंट किए, 13। चलो कंटिन्यू करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 14, 14 लेट अस स्टार्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके दो इफेक्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके दो इफेक्ट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफेक्ट क्या है सर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। हाँ, इसको मुझे समझाने दो, सिंपल एडजस्टमेंट है यहाँ पे, इस वजह का इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। देखो तीन पार्टनर थे ए बी सी, तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस के लिए तीनों ने एक एक लाख रुपया लाया, ए ने एक लाख, बी ने एक लाख, सी ने एक लाख, तीनों ने एक एक लाख रुपया लाया, बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ दिनों के तो और 50,000 की जरूरत थी। हमने ए को पूछा तेरे पास है क्या, ए बोलता है मेरे पास नहीं है, बी को पूछा तेरे पास है क्या, बी बोलता है मेरे पास नहीं, सी बोल रहा है कि चलो मेरे पास है मैं देता हूं लेकिन मुझे इस 50,000 रुपए पे इंटरेस्ट चाहिए। तो ए और बी बोलने लगे, अरे तू तो पार्टनर है तू इंटरेस्ट क्यों मांग रहा है। तो सी ने बोला कि जो स्टार्ट में मैंने 1,00,000 रुपया दिया है ना, जो तुम लोग ने भी दिया है, मुझे उस पर इंटरेस्ट नहीं चाहिए, ये 50,000 तो मैं खाली अकेला लेके आ रहा हूं, तो मुझे इस पर इंटरेस्ट चाहिए। तो ए और बी ने बोला नहीं नहीं हम इंटरेस्ट नहीं देते। तो सी ने बोला ठीक है मैं भी पैसा नहीं देता।
अभी सोच के देखो, अगर हम सी से पैसा नहीं लेंगे तो बाहर से लेना पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो चाहिए, और जब बाहर से लेना पड़ेगा तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो जब भी कोई पार्टनर एक्स्ट्रा पैसा देता है बिजनेस में, जितना सबने दिया वो छोड़ दो, एक्स्ट्रा पैसा देता है, तो उस एक्स्ट्रा पैसे पे आपको उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए बिजनेस में से जाएगा ना वो इंटरेस्ट, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस। और एक्सपेंस का रूल क्या बोलता है, पीएनएल डेबिट, याद रखना। एक्सपेंस का रूल क्या बोलता है, पीएनएल डेबिट होना चाहिए। एक्सपेंस का रूल क्या बोलता है, पीएनएल डेबिट। लेकिन क्योंकि ये पैसा पार्टनर के थ्रू आ रहा है तो पीएनएल के बजाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट दिखाएंगे। समझा क्या सबको, बाहर वाले से आता तो पीएनएल में जाता है, पार्टनर के रिलेटेड है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। क्लियर के सबको। अभी इसी का उल्टा लिखता देखो, क्या लिखा सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सब पार्टनर ने बिजनेस में से 50,000 रुपया निकाला, ए ने 50, बी ने 50, सी ने 50 निकाला, उसको क्या बोलते हैं ड्रॉइंग। सी क्या बोलता है, मुझे और एक 50,000 रुपया चाहिए, हमने बोला ले ले, हमने बोला ले ले, लेकिन तुझे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सी बोलता है तुम पार्टनर से इंटरेस्ट लोगे क्या। तो ए और बी ने बोला जब तूने पैसा दिया था, तूने इंटरेस्ट लिया था ना, तो अभी तुझे देना भी पड़ेगा। अभी सी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा, तो बिजनेस के लिए इनकम हुआ। इनकम कहा जाता है, इनकम पीएनएल क्रेडिट, इनकम कहा जाता है पीएनएल क्रेडिट। लेकिन ये पार्टनर के रिलेटेड इसलिए कहा जाएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट और पार्टनर्स यस कैपिटल अकाउंट डेबिट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझा कि सबको। चलो अभी बाहर वालों का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन क्या लिखा है सर, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। नॉट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने पैसा बाहर इन्वेस्ट किया, बैंक में रखा है, तो उसको हर महीने हमको उसके ऊपर क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। बरोबर है। तो पहला है कि इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, इनकम कहा जाता है पीएनएल क्रेडिट। अभी पीएनएल आएगा, अप्रोप्रिएशन नहीं, पीएनएल क्रेडिट। लेकिन सेकेंड इफेक्ट, एड टू इन्वेस्टमेंट, सेकेंड इफेक्ट इसका कहा जाना चाहिए बैलेंस शीट के एसेट में, सेकेंड क्योंकि पैसा आने वाला है, सेकेंड इफेक्ट कहा जाना चाहिए बैलेंस शीट के एसेट में। लेकिन एसेट में ऑलरेडी वर्ड इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो उसी में इंटरेस्ट का पैसा ये लोग क्या कर देते हैं, ऐड। तो ऐड को क्या लिखने का, इन्वेस्टमेंट। चल इसी का उल्टा लिख रहा वापस एक बार, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। हमको पैसे की जरूरत है, हमने बैंक से क्या लिया, लोन। जब तुम बैंक से लोन लोगे तो तुमको हर महीने बैंक को क्या भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट, ईएमआई भरना पड़ेगा। तो हमारे लिए वो एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंस का इफेक्ट कहाँ जाता है सर, पीएनएल अकाउंट डेबिट। और हमारे लिए पैसा देना है ना तो लायबिलिटी में जाएगी, बैंक लोन लिया है तो लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो लायबिलिटी हमारे लिए। लेकिन इसको हम लायबिलिटी में ऐड टू क्या करेंगे, बैंक लोन। बैंक लोन वर्ड रहेगा वहां पे, उसमें ही क्या कर देने का, ऐड। तो ऐड टू व्हाट, बैंक लोन। क्लियर के सबको। तो याद रखना इंटरेस्ट के चार एडजस्टमेंट, ये दो पार्टनर्स के रिलेटेड, ये दो बाहर वालों के रिलेटेड। फाइन, वेरी गुड। अभी सैलरी कमीशन टू पार्टनर, ये एडजस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है। सैलरी कमीशन टू पार्टनर, जब भी तीन पार्टनर में से कोई एक ही पार्टनर काम कर रहा है, दोनों काम ही नहीं कर रहे, मतलब कुछ बिजनेस में काम नहीं कर रहे, तो कुछ बाहर का बिजनेस में काम कर रहे, एक बिजनेस ही पूरे बिजनेस में एक ही पार्टनर पूरा बिजनेस संभाल रहा है, तो उस पार्टनर को आपको अलग से प्रॉफिट के अलावा या तो सैलरी या तो कमीशन देना पड़ेगा, क्योंकि वो काम कर रहा है, आप तो कुछ भी काम नहीं कर रहे हो। जब प्रॉफिट हो जाता है तो तीनों खड़े रहते हैं, जब काम की बात आती है तो एक ही जन कर रहा है, तो आप उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दो उसका। तो हमने बोला ठीक है, तो सैलरी ले लेकर हर महीने। तो जब भी हम पार्टनर को कमीशन या सैलरी दे रहे, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस हुआ, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो इफेक्ट कहा जाएगा सर, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सर पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्यों, फिर से देखो ना, पार्टनर को दे रहे, बाहर वाले को देते हैं तो खाली पीएनएल में जाता, पार्टनर को दे रहे ना, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। चलो क्लियर सबको। लास्ट का दो एडजस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल,
डिसऑनर, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, इसका दो इफेक्ट खाली लिख के देता हूं, बाद में समझाऊंगा। लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल, एड टू डेटर्स, लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल एंड एड टू व्हाट डेटर्स, उसका उल्टा, इसी का उल्टा लिख रहा हूं, बिल्स पेबल डिसऑनर, बिल्स पेबल डिसऑनर, दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम बिल्स पेबल एंड एड टू क्रेडिट। ये जब एडजस्टमेंट टेक्स्ट बुक में किसी क्वेश्चन में आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको क्या याद रखने का, बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, डिसऑनर में कैंसिल हो गया, तो बिल रिसीवेबल से लेस डेटर में एड, बिल्स पेबल अगर डिसऑनर हो गया तो बिल्स पेबल से लेस और क्रेडिटर में एड। टोटल ये 20 एडजस्टमेंट आपको अच्छे से करके जाने, ये 20 एडजस्टमेंट आपने अच्छे से कवर कर लिया, आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट एकदम अच्छे से डन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये 20 एडजस्टमेंट एक बार रिपीट करता हूँ तो आपको लिखने में तकलीफ नहीं हो, एक बार मेरा 20 एडजस्टमेंट हो जाएगा, इसको अच्छे से लिख के भी लेना प्लीज। क्लोजिंग स्टॉक, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट लेस फ्रॉम एसेट पीएनएल डायरेक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एड टू एक्सपेंस बैलेंस शीट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इनकम एड टू इनकम बैलेंस शीट एसेट, prepaid expense less from expense balance sheet asset, pre received income less from income balance sheet liability, bad debts rdd less from debtor formula jo pnl ke debit mein likha rahe, unrecorded purchase add to creditor, unrecorded sales add to sales add to debtors, goods lost by fire iske teen effect trading credit balance sheet asset pnl debit, goods lost by theft trading credit pnl debit, goods given as free sample trading credit pnl debit, goods taken over by partner trading credit partner's capital debit, interest on capital pnl debit partner's capital credit, interest on drawing pnl credit partner's capital debit, interest on investment pnl credit add to investment, interest on bank loan pnl debit add to bank loan, salary commission to partner pnl debit partner's capital credit, bill receivable dishonored less from bill receivable add to debtors, bills payable dishonored less from bills payable add to creditor। तो हमारे total कितने adjustment है, ये 20। ये 20 adjustment को घर पे जितने बार देखोगे उतने बार ये अच्छे से repeat होगा। आपने नोटिस किया कोई भी एडजस्टमेंट को मैंने देख के नहीं लिखा, ये बाहर कर लिया है, तो जब मैंने बाहर किया है आपको भी बैठ के इसको बाहर करना है, एक बार बाहर हो गया थिंग इज डन, आपको बाद में कुछ करना ही नहीं। क्लियर सबको? चलो मैं इसका फोटो भी भेजूंगा, अच्छे से कवर कर लेना, इसको लिख के लेना इमीजिएट। थैंक यू।